अपने ध्यान को विराम दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर जी। नक्षत्र लोक की कृतिकाओं का कैलाश पर स्वागत है। कहें देवियों, मैं आपका क्या शुभ करूं? शिव शंकर, हम आपकी यहाँ कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आकांक्षा से उपस्थित हुई हैं। हमारा निवेदन स्वीकार करें। हम आपकी आकांक्षा से अपरिचित नहीं हैं। हमारे पुत्र का 10 वर्ष तक कुशल लालन पालन करके आप सभी ने हमारा धन्यवाद प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है। देवाधिदेव महादेव, आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय ने 10 वर्षों तक हमारी मातृ कामना को तृप्त किया है। हमें शिव पुत्र की पालक माता होने का गौरव प्रदान किया है। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आपने हम साधारण कृतिकाओं पर महान कृपा की है। परंतु प्रभु, पुत्र कुमार कार्तिकेय का वियोग हमारे लिए अत्यंत वेदनादायक सिद्ध हो रहा है। उसके बिना हमारा जीवन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और जब से नंदी महाराज और अन्य शिवगण कुमार को कैलाश ले आए हैं, हमारे मन की शांति छिन गई है। हम आपके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। महादेव, हमारे मन की स्थिति का अनुमान लगाते हुए हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें। कैसी प्रार्थना? हमारे प्राण, हमारे जीवन की आस कार्तिकेय हमें लौटा दे। उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। जिस शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के लालन पालन करने का परम पावन अवसर विधि के विधान परम देव श्री महागणेश की महान कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसे अभी संसार में अनेक अलौकिक कार्य करने हैं। कुमार के अलौकिक कार्यों से इस संसार का उद्धार होगा। संसार को दुष्ट, अत्याचारी और दुष्कर्मी तारकासुर से मुक्ति प्राप्त होगी। इस कारण कुमार का नक्षत्र लोक लौटना असंभव है। हमारे कैलाश लोक से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता, परंतु तुम सबकी ये इच्छा पूर्ण करने में हम असमर्थ हैं। महादेव, हम विधि के विधान और नियंता की नियति के मध्य आने के इच्छुक नहीं हैं, किंतु अपनी बात निसंकोच कहें। हम आपकी आज्ञा मानकर इस कष्ट को सह लेंगे कि हमारा प्राण कुमार नक्षत्र लोक कभी नहीं आएगा, किंतु क्या उसके दर्शन करना भी हमारे लिए अब असंभव है? उत्तर दे महादेव, क्या हम अपने प्रिय कुमार के दर्शन भी नहीं कर सकती? कार्तिकेय अपनी माता पार्वती के साथ है। कार्तिकेय से मिलने के लिए हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, किंतु एक बार मिलने के पश्चात तुम्हारे स्नेह का ज्वार और भी अधिक उमड़ने लगेगा। नक्षत्र लोक लौटने पर वियोग भावना और अधिक दुखदायक सिद्ध होगी। इस कारण उचित यही होगा कि तुम सब बिना मिले ही लौट जाओ। कृतिकाओं, जन कल्याण, लोकहित और विश्व बंधुत्व का संकल्प लेने वाले को विश्वपान करना ही पड़ता है। हम भलीभांति जानते हैं कि कुमार से न मिलने देने का हमारा निर्णय कठोर और निष्ठुर है, जो तुम्हारे लिए विश्वपान के ही समान है। इस कारण संसार के लिए यही उचित है। महादेव, संसार के कल्याण के लिए, विश्वपान करने के लिए हम संकल्प ले सकती हैं, किंतु आपके जैसा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम साधारण कृतिकाएं हैं, हमारी ऐसी कठोर परीक्षा ना लें। महादेव,
कुमार के वियोग में दुखी होकर कहीं ऐसा न हो कि हम आत्महत्या का निर्णय कर लें। महादेव, हे आशुतोष भगवान, शिव शंकर, हमें अपने द्वार से इस प्रकार निराश न लौटाएं। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ, हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ, हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ। कृतिकाओं, तुम्हारी करुण प्रार्थना को अस्वीकार करना हमारे लिए असंभव है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो इससे पूर्व इतना अवश्य विचार करें कि तुम्हें देखकर कुमार की दशा तुमसे भी अधिक दयनीय नहीं हो जाएगी। महादेव, हम तो साधारण कृतिकाएं हैं, किंतु वे माया मोह दोष पाप और अहंकार से मुक्त शिव पुत्र हैं। हम मोह के बंधन में तो जकड़ सकती हैं, किंतु कुमार को मोह का बंधन स्पर्श करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। नंदीश्वर। आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती के समीप जाकर कुमार कार्तिकेय को लेकर आओ और उसे अपनी कृतिका माताओं से मिलाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। सेनापति हो चुके हो और शीघ्र ही तुम्हारा युद्ध महाभयानक राक्षस तारकासुर से होगा। उस युद्ध में तुम्हें उस दुष्ट को परास्त करना होगा। मैं शक्ति पुत्र हूँ माता, देवाधिदेव महादेव की कृपा और शक्ति की प्रेरणा मेरे साथ है। संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है माता। क्या सोचने लगे कुमार? माता, मुझे तारकासुर को परास करके एक वचन पूर्ण करना है। कैसा वचन पुत्र? मैंने अपनी 6 कृतिका माताओं को संसार के कल्याण के लिए अस्त्र उठाने का जो वचन दिया था वह मैं तारकासुर को परास करके ही पूर्ण करूंगा। किंतु पुत्र, तारकासुर वरदानी और भयानक है। जानता हूँ माता, एक बार उसे नक्षत्र लोक में देख भी चुका हूँ। परम देव श्री महागणेश के प्रहार से वह कायरों की तरह भाग गया था। अब मैं आपके आशीर्वाद से उसे समाप्त करके ही रहूंगा माता। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा पालन करने वाली कृतिका माताओं की दिव्य युद्ध विद्या तुम्हारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि तुम उस युद्ध में अवश्य सफल होगे। आप जानती हैं माता, जब मैं नक्षत्र लोक में था तब मेरे पालन पोषण करने वाली मेरी कृतिका माताएं मुझे शिक्षा कैसे दिया करती थी। नहीं जानती पुत्र। आप यूं ही कह रही हो, भला इस संसार की सारी घटना शक्ति से कैसे छुपी रह सकती है? नियंता की नियति के कारण तेरे जन्म की घटना ही मुझसे छुपी रही, और यदि जानती भी होती तो तेरे मुख से सुनने के लोभ में असत्य ही कह देती। बताओ न पुत्र, कृतिका माताएं किस प्रकार तुम्हें शिक्षा देती थी? माता, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना? हाँ पुत्र। 6 दिन तो मेरी एक एक कृतिका माता के होते थे जो अपने अपने विषय की मुझे शिक्षा देती थी, और अंतिम 7वां दिन अवकाश का होता था जब मैं अपनी 6 कृतिका माताओं के साथ नक्षत्र मंडल के दर्शन करता था। तुझे अभी भी नक्षत्र लोक का स्मरण रहता है पुत्र? प्रणाम माता, मैं भोलेनाथ का संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या संदेश है स्वामी का? माता, कुमार से मिलने नक्षत्र लोक से इनका पालन करने वाली 6 कृतिका माताएं आई हैं। भगवान भोलेनाथ ने कुमार को समाधि स्थल लाने का आदेश दिया है। कहाँ है मेरी 6 कृतिका माताएं? माता, उन कृतिका माताओं का मुझसे दुख देखा नहीं जाता। कुमार के वियोग में वे अर्धमृत सी हो गई हैं।
अनुसार नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर समाधि स्थल पर उपस्थित होती है। प्रणाम माताओं। प्रणाम पिताश्री। माताओं, मैं रात दिन आप सबके विषय में ही सोचता रहता हूँ। पुत्र कुमार, जब से तुम नक्षत्र लोग छोड़कर गए हो, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है। अब तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ पुत्र, तुमने हमारे मन में मातृत्व की भावना जगाई है। तुम हमारे प्राण हो कुमार। पुत्र, तुम हमारे साथ नक्षत्र लोग लौट चलो। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना एक क्षण काटना भी असंभव है। तुम्हारे बिना हम शांति से नहीं रह सकते पुत्र। माताओं, अब मेरा नक्षत्र लोक लौटना संभव नहीं है। क्यों पुत्र? क्योंकि मुझे तुम सबको दिए हुए वचन को पूर्ण करने का अवसर शिव कृपा से प्राप्त हुआ है। कैसा वचन? माता, तुम सबकी इच्छा थी ना कि मैं तुमसे प्राप्त अपनी युद्ध विद्या का प्रदर्शन करूं? हाँ पुत्र। मैंने संसार के कल्याण के लिए अस्त्र उठाने का जो वचन तुम सबको दिया था, अब दुष्ट तारकासुर का संहार कर उस वचन को पूर्ण करूंगा माता। किंतु हमारा क्या होगा पुत्र, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी? माता, ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है कि जब जीवन में निराशा हताशा छाने लगे, तब अपना मन भक्ति और भावना में लगा देना चाहिए। माताओं, आप सब अपना मन परम देव श्री महागणेश और देवाधिदेव भगवान शिव की भक्ति में लगाए। मैं अपनी छह माताओं का पुत्र हूँ। मेरे यह छह मुख मेरी बातों का प्रमाण है। षडमुख कुमार कार्तिकेय की जय। 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 आप सबकी जब भी इच्छा हो तब आप मुझसे कैलाश मिलने चली आना, किंतु मुझे नक्षत्र लोक लौटने की आज्ञा न दे। हम मोह के वशीभूत हो गई थी, किंतु तुम्हारे षटमुख के दर्शन के पश्चात हमें सत्य का ज्ञान हो गया है। पुत्र, शिव इच्छा से तुमने इस संसार के कल्याण के लिए यह अवतार धारण किया है। हम अपने मोह से तुम्हें विवश नहीं करेंगे। हम तुम्हारा आदेश मानकर अपना भावी जीवन परमदेव श्री महागणेश और देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगाएंगे। हमारी शिक्षा और संस्कार से तुम इस संसार के कल्याण के लिए सदा उत्साहित रहो, ये हमारा आशीर्वाद है। दुष्ट शक्तियाँ तुम्हारा नाम सुनकर भय से थर थर कांपने लगे, ये हमारी शुभकामना है। भोलेनाथ, आपकी महान दया के कारण आज हमने अपने पुत्र कुमार के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। अब हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमें आज्ञा दे। तुम सबका कल्याण हो।